लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। 75वां स्वतंत्रता दिवस कल, सीएम नीतीश गांधी मैदान में फहराएंगे तिरंगा। बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात, पटना सहित 15 जिलों में भारी तबाही। गंगा में तेज धार में पलटी नाव, 3 लोग बह गए। तेजस्वी यादव पहुंचे राघोपुर, बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। डिप्टी सीएम रेणु देवी बोली, केंद्र सरकार नहीं कराएगी जातीय जनगणना। तो उपेंद्र कुशवाहा ने दिया बड़ा बयान, सृजन घोटाला मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 2 गिरफ्तार। करोड़ों के बैंक फ्रॉड का मुजफ्फरपुर पुलिस ने किया खुलासा। अब बिहार के किसान बनेंगे स्मार्ट। लालू यादव का इलाज करने वाले डॉक्टर उमेश प्रसाद नहीं रहे। अब खबरें विस्तार से। 15 अगस्त यानी कि कल 75वां स्वतंत्रता दिवस है, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को अंतिम परेड रिहर्सल की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए परेड समारोह में आम आदमी का प्रवेश नहीं होगा। इस बार समारोह में 12 टुकड़ियों की परेड और 8 विभागों की झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी, जिनमें दहेज प्रथा, मद निषेध, टीका एक्सप्रेस समेत कई आकर्षक झांकियां होंगी। बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंगा, बागमती और अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण पटना सहित सूबे के 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पटना के बाद सबसे खराब स्थिति मुंगेर, भागलपुर, सारण, वैशाली और समस्तीपुर की है। मुंगेर के कई गांवों में पानी प्रवेश कर गया है। लोग घर छोड़कर सड़क और रेलवे लाइन के किनारे शरण लिए हुए हैं। यहां तक कि थाना, अस्पताल और ब्लॉक परिसरों में पानी घुस जाने से लोगों को परेशानियां काफी हो रही है। समस्तीपुर में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। पटना में स्मशान घाट डूब गया है, जिससे चिता जलाने में परेशानी हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उधर हाजीपुर के पास गंगा नदी में नाव पलट गई है। यह हादसा तेरसिया के निकट हुई है। नाव पर सवार 3 लोग पानी में बह गए, इसके बाद कोहराम मच गया। जानकारी मिलते ही प्रशासनिक पदाधिकारी और SDRF टीम मौके पर पहुंची और बहने वाले 3 लोगों को खोजने में जुट गई। दरअसल बिहार में गंगा नदी उफान पर है। बक्सर से कहलगांव तक गंगा नदी के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में नावों के परिचालन पर भी रोक है। इसके बाद भी नाव वाले मान नहीं रहे हैं और बाढ़ की परवाह भी नहीं करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब बाढ़ ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के लिए निकले। वे नाव से अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लिया। उनके साथ महुआ के विधायक मुकेश रोशन, RJD नेता भोला यादव, शक्ति सिंह यादव समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोग बाढ़ में मर रहे हैं और सरकार की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। उन्होंने सरकार से सहायता राशि 6,000 से बढ़ाकर 15,000 करने की मांग की है। बिहार में जातीय जनगणना बड़ा मुद्दा बन गया है। एक तरफ जहां विपक्ष के साथ साथ नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं, वहीं BJP इसके खिलाफ है। उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराने वाली है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कर्नाटक और उड़ीसा में जातीय जनगणना कराई गई, उस तरह बिहार भी इसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन केंद्र सरकार का फैसला इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि वह जातीय जनगणना नहीं कराने जा रही है। वहीं नीतीश कुमार को PM नरेंद्र मोदी द्वारा समय नहीं दिए जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें एक्नॉलेजमेंट मिल गया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा जातीय जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं, वो गलत हैं। उनके मन में बेईमानी है। समाज में भेदभाव ना हो, इसके लिए जातीय जनगणना जरूरी है। जात की गणना करने से विषमता नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि अगर जातीय गणना से जातिगत तनाव होगा, तो क्या धर्म की गणना से धार्मिक तनाव नहीं फैलेगा? वो चाहते हैं कि देश में धार्मिक तनाव बना रहे। उन्होंने कहा कि जब वोट लेना रहता है तो जात पात की बात करते हैं, लेकिन देना रहता है तो सब भूल जाते हैं।
अरबों रुपए के सृजन घोटाला मामले में सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। पूर्व बीजेपी नेता विपिन शर्मा की पत्नी रूबी देवी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे पटना के एयरपोर्ट से दबोचा गया है। उसके सीए पूर्णेंदु को भी पकड़ा गया है। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। हालांकि सृजन की किंगपिन रहे मनोरमा देवी के पुत्र अमित और बहू रजनी प्रिया अब भी फरार है। चर्चा है कि वे लोग नेपाल में अंडरग्राउंड है। आपको बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को रजनी प्रिया, पूर्णेंदु कुमार, सतीश कुमार झा, सीमा देवी, रूबी कुमारी, जसीमा खातून, अर्पणा वर्मा और राजरानी वर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसमें घोटाले की किंगपिन रही मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया भी शामिल है। बिहार में सबसे बड़े बैंक फ्रॉड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 6 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अकाउंट बैंक कर्मियों की है। इन खातों में फिलहाल 87 लाख रुपए जमा है। पुलिस की माने तो इसी गिरोह ने विभिन्न ग्राहकों के अकाउंट से 3 करोड़ उड़ा लिए। इसमें एक बड़े सरकारी अधिकारी के फैमिली मेंबर का भी अकाउंट है, जिससे करीब 1 करोड़ रुपए उड़ाए गए हैं। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि इस गिरोह के लोग सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं, पूरे उत्तर बिहार में फैले हुए हैं। बिहार के किसान अब स्मार्ट बनेंगे। माइक्रो एसडी कार्ड के माध्यम से किसान अपने स्मार्टफोन पर वैज्ञानिक तरीके से खेती का गुड़ सीखेंगे। इसके लिए उन्हें बाहर जाकर प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उनके मोबाइल पर ही उनके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। यह बिना इंटरनेट सुविधा के भी चलेगा। किसान घर बैठे अपने स्मार्टफोन और एलईडी टेलीविजन पर इस फिल्म को परिवार के साथ देख सकेंगे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय किसानों को कृषि कार्य में स्मार्ट बनाने के लिए निःशुल्क 32 GB का माइक्रो एसडी कार्ड उपलब्ध कराएगा। रांची रिम्स के पॉपुलर डॉक्टर उमेश प्रसाद का निधन हो गया। आज उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर उमेश प्रसाद तब सुर्खियों में आए थे जब रिम्स में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव एडमिट थे। बताया जाता है कि डॉक्टर उमेश प्रसाद मल्टीपल माइलोमा नामक बीमारी से जूझ रहे थे। यह बीमारी एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। बीमार रहने के बाद भी वे व्हीलचेयर की मदद से डेली मरीजों को देखते थे। वे यहाँ के मेडिकल बोर्ड की टीम में भी शामिल थे। डॉक्टर उमेश प्रसाद के निधन से मेडिकल जगत में शोक की लहर है। लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।